नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज लॉन्चर पर। पांचवें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। देश के अलग अलग लोकसभा सीटों से पोलिंग अपडेट्स तो आप तक पहुंच ही रही होगी, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर इस बीच निकल कर आ रही है जो इस पूरे के पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और संकट में डाल देने वाली ये तस्वीरें हैं देश। तो क्या तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आशीष जी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि आज ये चर्चा जो हम आशीष जी के साथ ही करने वाले हैं। स्वागत है आशीष जी आपका। जी आशीष जी, सबसे पहले वो तस्वीरें देखते हैं जो इस वक्त निकल कर आ रही है। तस्वीरें जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। नहीं जान रही है इन काम का, हम जब नहीं जान रही है इन काम का, हाथ पकड़ के नहीं साइकिल का ऊपर वाले मान, जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने पकड़ मटाने का है, और मन इधर हुआ से हमको 20 वाली में डरवा दी इस कमल में। अच्छा, हाँ तो जबरदस्ती मोटा मोटा, अच्छा वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए, तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। कमल आ गए, कमल बन गया मशीन में, आपको देखिए किस में डाल रहा था, हम उसमें देखे तो कमल बन गया है। साइकिल बन बने भैया जाए, हम कटारे कराए। आशीष जी, इस वीडियो को देखते हैं तो मालूम होता है कि क्या स्थिति हो चली है। मतलब जबरन हाथ पकड़ कर, उंगली पकड़ कर वोट दिलवाने के लिए विवश किया जा रहा है कि चल क्या रहा है। आशीष, ये मेघा उज्जैन मॉडल से आगे निकल गया। उज्जैन में एक पीठासीन अधिकारी थी, प्रिजाइडिंग अफसर, उसको हमने देखा था कैमरे पर कैद हुई थी माफी मांगते हुए, मोदी के लिए वोट मांग रही थी, बूथ पर ही वोट मांगना शुरू कर दी और पकड़ी गई, तो कैमरे पर कहिए बागेस नहीं होगा। यहाँ पर तो अति हो गया, मेरे पास डिटेल, जब आप वीडियो दिखा रहे थे डिटेल मेरे पास आ गया सामने, फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र की जहानाबाद विधानसभा में बूथ नंबर 197 पे ये हुआ है और पीठासीन अधिकारी पर आरोप है, बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है ये आरोप है। और अगर ये वीडियो सच है, वीडियो तो सच है, जुबानी है, ग्रामीण महिला है, ये तो कोई मैनिपुलेटेड फैब्रिकेटेड कहीं से लग नहीं रहा है। उसकी बोली भाषा से, आदमी के बोलने के तरीके से पता चल जाता है झूठ कितना है सच कितना है। वो घूंघट में अपना जो है देसी भाषा में बोल रही है कि जो है बटन हमारा उंगली पकड़ के, हमको साइकिल पर दबाना था, बटन उंगली पकड़ा, बटन दबवा दिया और आगे कमल निकल आया। मतलब एकदम गांव के जो देसी भाषा होती है, कमल निकल गया वहां से, दबाया साइकिल वाले पे, कहा कि ऐसे दबाओ, उंगली पकड़ के दबा दिया दूसरे पे, वहां निकला, जब देखे तो हम बाद में कमल निकल गया। ये हो क्या रहा है? राजीव कुमार, फिर मैं वही बात कहूंगा, लोग कहेंगे कि ये भी आप लोग भी रोज एक ही बात रटते हो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, लेकिन उस निराशावादी, हम लोग उस अवस्था में नहीं जा सकते हैं कि निराश होकर के हम आवाज उठाना बंद कर दें, सवाल करना बंद कर दें। और मैं ये बार बार कहूंगा, कल हमने देर रात एक डिबेट की थी, आज सुबह उन लोगों ने देखा भी होगा, मोदी के नामांकन पर सुप्रीम कोर्ट के दो दो अधिवक्ता थे। मैं ये अभी, मैं कुछ वक्त में उन अधिवक्ताओं को फिर जोड़ूंगा इस विषय पर। ये वीडियो अभी मैंने, आपने दिखाया तब देखा, मेरे कान में चर्चा आई थी, लेकिन ये वीडियो आपने दिखाया तब मैंने देखा ये वीडियो। ये तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर अब भी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कान में तेल डाल के बैठा रहा तो इस देश के लोकतंत्र संविधान को कोई बचा नहीं पाएगा। ये फतेहपुर है, यहां से नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी से, मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन, जब चुनाव पर हैं नरेश उत्तम पटेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और जब चुनाव मैदान में उतारा उसके बाद श्याम लाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया अखिलेश यादव ने। तो ये सीट बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, कुर्मी डोमिनेटिंग सीट है, इसीलिए नरेश उत्तम पटेल को उतारा है। और भाजपा, ये सब जो हो रहा है ना, इसमें पार्टी क्या कर रही, भाजपा क्या कर रही, मोदी क्या कर रहे, अमित शाह क्या कर रहे, उससे अलग मैं बात कर रहा हूं, आम नागरिक के रूप में जो ये अधिकारी बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि ये देश के साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं।
कल एटा का वीडियो देखा था आपने? आपने ही सबसे पहले, मुझे लगता है कि सारे जितने चैनल्स हैं उस वीडियो को सबसे पहले आपने दिखाया। एक लड़का 8 वोट डाल रहा है एक के बाद एक, गिनती करवा करके। ये कितना मतलब बेलगाम हो चुका है सिस्टम। वो 8 वोट डाला तो बिना पोलिंग पार्टी की सहमति से, और मैंने डिबेट में कहा था कि इस पोलिंग पार्टी को टर्मिनेट होना चाहिए। कल आपके साथ चर्चा हुई थी, मुझे लगता है रात में 7-8 बजे के आसपास ये वीडियो चला था। इस वक्त की खबर है कि पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन टर्मिनेशन चाहिए ऐसे लोगों का। सस्पेंशन का क्या अंजाम होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, तो आधा घंटा। सस्पेंशन में किसी न किसी भी तरीके से 6 महीना 2 महीना में बहाली होती ही है, इन सरकारों में या पूर्व की सरकारों में भी। इस सरकार में तो तमाम पुलिस वालों को रंगे हाथ ऐसे कृत्य करते पकड़े गए हैं या गंभीर आरोप लगे, लाइन हाजिर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। 2 महीने बाद जब वहां के लोगों को मान लिया, उनको सस्पेंड किया गया हाथरस में सस्पेंड किया गया, और पता चल रहा है कि वो जाकर के फतेहपुर लखीमपुर खीरी में थाना पाके बैठे हैं। मलाईदार पोस्टिंग, मलाईदार थाना मिला हुआ है। तो ये पर्दे के पीछे पहले होता था अंडर टेबल मनी, अब अंडर टेबल अप्रिजमेंट किया जाता है। पर्दे के पीछे से ही अपने लोगों की पीठ पर हाथ रखा जाता है कि चलो यहां सस्पेंशन, 2 महीने बाद बहाली होगी और कहीं और मौज करोगे। ये उसका नतीजा है। इन्होंने ईमान, धर्म, अपनी जिम्मेदारी, ये जो पोलिंग अफसर है या जो बटन दबवाता है, इसको कौन वेतन दे रहा है? जाके किसी दिन भाजपा दफ्तर से अपनी तनख्वाह ले ले। भाजपा दफ्तर से थोड़ा मिलता है इसको, न दिल्ली वाले दफ्तर से मिलेगा, न लखनऊ वाले से मिलेगा, और न जिला कार्यालय से मिलेगा। चंदा का समोसा और चंदा का चाय जहां पाता है, चंदा न रहे तो समोसा चाय न मिले। भाजपा दफ्तरों की हालत में बता दूं, और भाजपा के कार्यालय प्रमुख संभालने वाले तमाम युवाओं को मैं जानता हूं जो भाजपा कार्यालय प्रभारी और कार्यालय प्रमुख बन के जिलों में बैठे हुए हैं। रोज शाम में रोते मिलेंगे कि आज सुबह से शाम तक हम 800 रुपए का समोसा चाय में अपने जेब से मंगवाना पड़ गया, लेकिन वो लगे रहते हैं ठेका पट्टा के चक्कर में कि चलो 800-1000 रुपए का समोसा और चाय मंगवाएंगे कार्यालय पे, तो कहीं ठेका पट्टा आगे मिलेगा, वहां से तनख्वाह मिलती है इनको। तनख्वाह मिलती है इस देश के जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है उसके भी टैक्स से। इस देश का सबसे गरीब, ये ITR फाइल होने से नहीं होता है कि जो ITR फाइल कर रहे हैं वही इस देश में योगदान दे रहे हैं। मैंने एक दिन इस विषय पे बोला था, आगे नहीं लंबी चर्चा, लेकिन इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है ना, वो भी 50 पैसे का वो तेल आता है, 1 रुपए का तेल का पाउच वो खरीदता है तो भी टैक्स देता है। तो गरीब से गरीब आदमी, इन कर्मचारियों ने अति कर रखा है भाई। और मैं अब कंट्रोल रूम से कहूंगा जब कुछ ट्वीट्स और दिखाना शुरू करें। जब मैं चर्चा कर रहा हूं उसी समय कुछ ट्वीट्स, जो कंप्लेंट्स आई हैं कंट्रोल रूम के पास, कंट्रोल आती रहती है कंप्लेंट्स पूरे दिन। ये देखिए राहुल गांधी ने, ये 8 वोट वाले पे ही लिखा है, देखिए अपनी हाल सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूले, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। इस ट्वीट को तो 10 बार चलाइए। सरकार इंडिया की आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता है, लेकिन होना यही चाहिए ऐसी इन पर कार्रवाई हो कि इनकी 10 पीढ़ियां सोचें। ये देखिए मोहनलालगंज में सिधौली विधानसभा बूथ संख्या 205-6 पर सीतापुर के DM और SP आधार कार्ड से वोट डालने पर रोक लगा दिए हैं, और साथ ही पुलिस बल द्वारा मतदाताओं को बिना कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। बंद करो फिर ये मतदान का ड्रामा। लोकतंत्र का महापर्व हम लोग ताली बजा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घी के दिए जलाओ। क्या दिए जलाओ, क्या चल रहा है ये पछरावा? जितेंद्र यादव जिला पंचायत को प्रत्याशी दिनेश सिंह का भाई गणेश सिंह धमका रहा है, इसे तत्काल संज्ञान ले। भाजपाई गुंडों की जवान जब्त हो चुकी है, इंडिया जीत रहा है। जीते हारे कोई भी, मैं देखिए ये इंडिया जीत रहा है तो ये ट्वीट हमको नहीं दिखाना चाहिए, ये भी दिखाना चाहिए। खबरें व्यक्तिगत रूप से तो मेरे पास ही बहुत ऐसी आई है कि रात रात भर इस चुनाव में तो कई लोग जो चुनावी ड्यूटी में थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ये चुनाव भाजपा प्रधानी का चुनाव जो होता है वो ऐसे लड़ रही है।
आप लोग को शायद प्रधानी का चुनाव नहीं पता होगा, मेघा प्रधानी का जो गांव के प्रधान का चुनाव होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। उसमें एक रात पहले चुनाव पलट जाता है, घर घर सुविधाएं पहुंच जाती है, तो उसका मतलब आप समझ सकती हो घर घर सुविधा। तो प्रधानी के तरीके से बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ा गंभीर मसला है। डीएमएसपी आधार के ब्याह पर मतदान नहीं करने दे रहे हैं। रायबरेली की चर्चा में कर रहा था, वो गणेश सिंह, दिनेश सिंह के भाई हैं, बड़े भाई। गणेश सिंह के बारे में मैंने बताया था, शायद किसके साथ चर्चा कर रहा था, मैंने बताया था। रायबरेली में इन्हें गणेश जी लोग कहते हैं, किस लिए कहते हैं गणेश जी पता है इसको? ये जिस गांव में चकबंदी खुलती है वहां पर 20 बीघा जमीन, वहां पर एक कहावत प्रचलित हो गई है कि 20 बीघा जमीन जहां चकबंदी खुलेगी 20 बीघा जमीन इनकी है, दिनेश सिंह की। पूरा रायबरेली परेशान है, मतलब ऑन कैमरे बाइट्स तमाम है मेरे पास, ऑन कैमरा बाइट, और ऑफ कैमरा तो लोग क्या क्या बोलते हैं। गणेश सिंह को गणेश जी इसलिए बोलते हैं कि जहां इनको खाली जमीन दिखती है उसी को लपेट लेते हैं। अब ये गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है इन पर। जीत हार कौन रहा है, हम यहां पर जिताने हराने नहीं बैठे किसी को, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही सुनिश्चित करना है। और अगर वहां पर कुछ भी संदेहास्पद या संदिग्ध दिखेगा तो सवाल खड़े होंगे। बताइए, कमल बन गया है, साइकिल पर बटन दबाया, ये वीडियो बहुत इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बहुत बड़ा कलंक है ये, और इसको तत्काल अब तक संज्ञान में ले लिया जाना चाहिए था। ये वीडियो आपके पास आया होगा 20-25 मिनट, आधे घंटे पहले, उसके कितने पहले से वायरल हो रहा है, 4 घंटे मतदान की प्रक्रिया चलते हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं। मैं ताजा अपडेट दे दूं, उसके बाद आपके मन के जो सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा, लेकिन ताजा अपडेट अभी मेरे सामने आ चुका है। पोलिंग जो 4 घंटे शुरुआती 4 घंटे में पोलिंग हुई है, यूपी में 27.76% मतदान हुआ है शुरुआती 4 घंटे में। बिहार में 21% मतदान हुआ है शुरुआती 4 घंटे में। बंगाल में सबसे ज्यादा 32.7% मतदान हुआ है शुरुआती 4 घंटा में, और महाराष्ट्र में सबसे कम 15.93% मतदान हुआ शुरुआती 4 घंटे में। ये अगर मतदान प्रतिशत को समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में औसत या औसत से थोड़ा कम ही चल रहा है, बंगाल में ठीक है, और मुंबई सबसे निराशाजनक है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र की हालत। और ये भी गौर करने वाली बात है कि जो मुंबई और मुंबई के आसपास यानी पूरा मेट्रोपॉलिटन इलाका जो है उसमें आज पोलिंग थी। मुंबई के जितने जैसे दिल्ली है, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, वैसे ही मुंबई में जो पूरा मेट्रोपॉलिटन इलाका है उसके सभी करीब करीब सभी संसदीय क्षेत्रों में आज पोलिंग थी, और इतनी कम पोलिंग ये महाराष्ट्र में निराशा दिखा रही है डबल इंजन को लेकर के। और महाराष्ट्र के नतीजे सबसे चौंकाने वाले इस बार मुझे लगता है हो सकते हैं सभी राज्यों में सबसे चौंकाने वाले, हालांकि हर राज्य में अलग अलग जो है समीकरण बन रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के समीकरण, क्योंकि लगातार वहां के बारे में हमें अपडेट्स मिलती रहती है अशोक वानखेड़े जी के जरिए भी, तो जो वहां पर सिंगल डिजिट में जाने की बात बोल रहे हैं भाऊ, और सिंगल डिजिट अगर ऐसे ही मतदान प्रतिशत इतना, इतनी भारी गिरावट देखी जा रही है, इतना निराशा, इतना उदासीनता, इतनी उदासीनता है मतदान को लेकर के कि चौंकाने वाले नतीजे दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो फतेहपुर का वीडियो आया है, उत्तर प्रदेश में आज फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, आपका कैसरगंज, गोंडा, तमाम सीटों पर मतदान है। इन सीटों पर क्या स्थितियां हैं उस पर भी अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो वो भी दें, और आगे अगर कुछ और सवाल हो आपके तो बताएं। जी आशीष जी, अपडेट देने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल टर्म में कहा भी जाता है कि जब भी कोई अपराध किया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरीके का अपराध ही है, अनैतिक गतिविधियां देश में हो रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कभी भी कोई अपराध होता है तो उसके पीछे क्या होता है कि कोई अपराधी ये सोच के करता है कि वो कर सकता है, ये सुप्रीमेसी वाली चीज जो, और यहाँ पर भी यही देखने मिल रहा है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियोज आ रही है, इससे यही पता चलता है ना कि रिटर्निंग ऑफिसर्स और तमाम लोग जो है उनको एक आश्वासन है या उनको एक विश्वास है या उन्हें कुछ है कि उनके सर पर हाथ रखा गया है, ये अति आत्मविश्वास है, जो कुछ भी। कहने का मतलब ये है कि
जब भी कोई टेक्निकल ग्लिच होती है या कोई मैकेनिज्म का फेलियर होता है तो वो चीज समझ भी आती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा कोलैप्स होते हुए डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है अगर इसकी जड़ तक जाए? ये बिल्कुल सही बोला, ये कोलैप्स है पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का और पूरे इस चुनावी प्रक्रिया का कोलैप्स है। और इसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मैनुअल है, मैनुअली इसको कोलैप्स किया जा रहा है। एक वीडियो और है, जो वीडियो अभी मेरे पास आया, हमारे ही साथी आलोक पाठक ने ट्वीट किया था उस वीडियो को, वो वीडियो सुना देते हैं, अभी ये मैनुअल कोलैप्स समझ में आ जाएगा। उसी वीडियो से सबसे बेहतर उदाहरण वो वीडियो है मैनुअल कोलैप्स का। को मैं डॉक्टर रचना मिश्रा हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं सुबह 7 बजे से आई, सबसे पहले तो मेरा वोटर आईडी ही नहीं मिला मुझे, बहुत पहले अप्लाई करने के बाद। मैं महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ का यूपी का मेरा पहला वोट है। उस पर मुजफ्फरनगर मोहम्मदीपुर भुसवल लिखा था। मैं कैब से पहले दूसरी जगह पहुँची, वहाँ पता चला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लाए हैं। फिर यहाँ पे आई, 3 बार लाइन में लगी, 7 बजे से अभी 10 बजे जा करके वोट डालने का मौका मिला। मैं तो घर भी चली गई थी। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजी लॉकर डिजी यात्रा होता है, तो इसके लिए भी कुछ डिजिटल व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आपके पास मोबाइल में आइडेंटिटी प्रूफ था, मेरे पास उसको लेकिन मान नहीं रहे थे, नहीं मान रहे थे। मोबाइल में मैंने दिखाने की कोशिश की कि देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, अंदर भी जाके वेरीफाई होता है। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी पार्टी आए बस इतना कर दे कि जहां हम पैन डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हर जगह अंगूठा लगता है, आधार कार्ड बना है, थंब इम्प्रेशन है, आप अंगूठा लगवाइए, वेरीफाई कीजिए, अंदर जाने दीजिए, वोट डालने दीजिए। यहां लोग गर्मी में धूप में इतने परेशान हैं, आप अगर देख सकते हैं एकदम पतली सी लाइन है, उसी में लेडीज उसी में जेंट्स, ना पंखा है ना कोई व्यवस्था है। तो जो चाहता भी है कि वोट डालें, वो लोग भी निराश होकर के नहीं डालेंगे। सामने ही कितने युवा थे जो बिना वोट डाले चले गए। एक वोट का नुकसान पूरे देश का नुकसान होता है। मेरी बेटी का मैंने वोटर के लिए अप्लाई किया था, वो फॉरेन में पढ़ती है, फर्स्ट टाइम आई थी, 18 साल की हुई है, उसका भी लिस्ट में नाम नहीं आया। मतलब फॉरेन से बुलाया आपने उसको? जी, वोट डालने के लिए, क्योंकि 18 साल की हो गई थी तो पहला वोट था, उसका लिस्ट में नाम नहीं आया। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, इतना एजेंट से पूछी, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था हो। पहले क्या होता था, लोग घर घर जाके देते थे, बांटते थे, रिकॉर्ड होता था, अब कुछ है ही नहीं ऐसा व्यवस्था। सुना मेगा, इसीलिए सुनवाया था, ये मैनुअल कोलैप्स है। जस्ट मनाओ लोकतंत्र के इस पर्व का, चुनाव आयोग ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कागजों में, जो है विज्ञापन दिलवाने में और सुपरस्टार से विज्ञापन एडवर्टीजमेंट करवाने में। ये जो गढ़े हुए आइकॉन्स हैं इस देश में, गढ़े हुए सचिन तेंदुलकर से करवा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर आईपीएल में भी वही ब्रांड एम्बेसडर, चुनाव में भी वही ब्रांड एम्बेसडर। अरे सब सचिन तेंदुलकर ही कर लेंगे, तो अर्चना मिश्रा क्या करेंगी? गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कोई सामान्य ये महिला पढ़ी लिखी इस देश की एक प्रबुद्ध नागरिक, डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तब जाकर के खुल के अपने हक की बात इतने मतलब सुलझे हुए तरीके से रख पा रही। गांव की सामान्य महिला होती, कम पढ़ी लिखी महिला हो, वो तो बता भी नहीं पाएगी पीड़ा। 18 साल बिटिया की उम्र 18 साल हुई, पहली बार मतदान करना था। मोदी जी जरा सुन ले, राजीव कुमार तो खैर शायरी लिख रहे होंगे, बहुत फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपील करते हैं। अरे अपील मंच से कर, कभी मंच से उतर करके वो जो इवेंट मैनेजर है, उन इवेंट मैनेजर को किसी दिन हटा दो मोदी जी। इस देश में भेष बदल करके प्रजा के बीच में घूमने वाले राजाओं की बहुत कहानियां हैं, दादी नानी वही सुना करके बच्चों को सुलाया करती थी। अब आज के दौर में भले नहीं सुनाती हैं, लेकिन पहले वही सुना करके सुलाया करती थी। एक राजा था, भेष बदल के जाता था, फिर प्रजा में देखता था किसकी थाली में रोटी है, किसके में सब्जी है। कभी भेष बदलो ये इवेंट मैनेजरों को हटा करके, लेकिन वो आप में साहस ही नहीं है। उसके लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, तब वो साहस कर पाओ। विदेश से आई बिटिया 18 साल की होकर के फर्स्ट टाइम वोटर की मतदान करेगी, लगाया कागज पत्र, फॉर्म भरा, सब किया, यही डिजिटल इंडिया है। मैं कई बार चर्चा करता हूं तो दर्शक सुनते होंगे, आज देखिए, कल ही शायद, कल परसों में कर रहा था, ये डिजिटल इंडिया है, देख लो। शायद कल ही मैं पोलिंग परसेंटेज पे कह रहा था कि डिजिटल इंडिया में 11 दिन लग जाता है अपडेट करने में, और 11 दिन बाद 6-7% पड़ जाता है। ये देख लो डिजिटल इंडिया पर एक महिला डॉक्टर सवाल उठा रही है, लाइन पतली सी लाइन है, सकरी
जगह है, पतली लाइन है, हवा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, 45 से ऊपर पारा है, उसी में महिला पुरुष युवा युवती सब लगे हुए हैं, पोलिंग छोड़ छोड़ करके बीच से जा रहे हैं। ये बयान है, ये सबूत है, इसी को सबूत बोलते हैं। अब मांगोगे सबूत कि सबूत लेके आइए, अब इससे ज्यादा क्या, ये जिंदा सबूत है, मुर्दा होते लोकतंत्र का जिंदा सबूत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो धज्जियां उड़ रही है उनका जिंदा सबूत है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही है उसका जिंदा सबूत है। इक्वल बैटल ग्राउंड की बात करते हैं, इक्वल बैटल ग्राउंड में एक ही ग्राउंड है और एक ही टीम है, उसका ये सबूत है। कहां इक्वल बैटल ग्राउंड है, कहां इक्वल प्लेइंग फील्ड है, मजाक बना करके रख दिया है पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया को। ये वही हालत अभी मोहनलालगंज के एक और मैं कहूंगा कि आलोक पाठक के जो वीडियोज हैं, ये आलोक पाठक क्षेत्र में घूम रहे हैं इस वक्त, आज लखनऊ में भी मतदान है, मोहनलालगंज में भी मतदान है, इन वीडियोज को सारे वीडियोज को कंपाइल करके चलाएं। ये पोलिंग बूथ पर जाकर के कम से कम इस गर्मी में धूप में आलोक पूछ रहे हैं, इसको चलाइए, सारे वीडियोज कंपाइल कीजिए। राजीव कुमार देखे न देखे लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग देखे कि क्या हो रहा है ये। अब गिनिए इतने देर में, गिनती गिनिए। अमेठी और रायबरेली में अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया, मैं उसको भी डस्टबिन में डाल देता हूं भाई, छोड़ो हटाओ, विपक्ष के लोग आरोप लगा दिए। वो फतेहपुर में महिला का बयान, वो बयान क्या कहता है, वो बांदा में जो घूम रहा है कि वो कागज के अंदर जो अमृत पान के लिए कुछ भरा हुआ है सामग्री, कुछ लिक्विड है, उस पर बताया जा रहा है कि बाहर से उसकी ब्रांडिंग की गई है बकायदा कि भाजपा को वोट दें। उस वीडियो की सत्यता की खैर हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं बना करके किसी को बदनाम करने के लिए, लेकिन घूम रहा है वो भी वीडियो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खूब ये खबरें हैं, खूब खबरें आ रही हैं हमारे तक, लेकिन इन सब चीजों के लिए पुख्ता प्रमाण की जरूरत होती है। खूब खबरें आ रही है कि खूब बिक रहा है, देर रात तक बिक रहा है, नहीं बांटा जा रहा है देर रात तक। तीसरा, ये गायनोकोलॉजिस्ट को आपने सुन लिया, विदेश से आई बेटी वोट नहीं दे पा रही है, आप किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हो, चुनावी प्रक्रिया को मजबूत कर रहे हो, क्या काम है, मजाक बना करके रखा है। जी यही तो विडंबना है आशीष जी की कहने के लिए कि लोकतंत्र में सब बराबर है, लेकिन ये बराबरी दिखती है जब एक आम इंसान नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाता है तो उसे कितनी जटिलता का सामना करना पड़ता है। हमने वाराणसी सीट से भी देखा कि किस प्रकार से तकलीफों का सामना आम इंसान को करना पड़ता है, और दूसरी तरफ जबरन उंगली पकड़कर वोट करवाने के लिए विवश किया जाता है। और ये बहुत आपने बहुत सही कहा आशीष जी की एक ग्रामीण जो महिला है वो ठीक तरीके से बता भी नहीं पाते और उसकी बात उस तरीके से पहुंच भी नहीं पाती, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपनी बात उठा पा रहे हैं बेहतर तरीके से। हालांकि यहाँ पर महिला ने भी अपनी बात उठाई है, लेकिन कहने का मतलब है कि कहने के लिए रूल ऑफ लॉ है, समानता है, लेकिन यहाँ पर आम इंसान ना चुनाव ठीक तरीके से लड़ पा रहा है, जटिलता का सामना कर रहा है, ना वो वोट अपने स्वतंत्रता से डाल पा रहा है, तो यही सबसे बड़ी विडंबना है। और लगातार हम इस विषय को उठाकर लाते हैं और चर्चा करते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी इसी से मिलती जुलती तस्वीर पर, और आज भी हमने इसी से मिलती जुलती तस्वीर पर और जो भी वीडियोस ट्वीट्स आए हैं उस पर चर्चा की। और चर्चा करने का उद्देश्य है दोस्तों कि राजीव कुमार कितना निकम्मा हो चला है, क्योंकि अभी मसला नहीं ये नहीं है कि तस्वीरें आ रही है और इस पर क्या एक्शन लिया जाए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि तस्वीरें आ क्यों रही, ऐसा हो क्यों रहा, और इससे संबंधित आपकी क्या राय दोस्तों कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचाइए। और आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, धन्यवाद आशीष जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के, मिलते हैं आपसे ऐसे ही चर्चाओं के साथ, धन्यवाद।